भी आ रहे हैं जो आशीर्वाद मिला हमको, उसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृहमंत्री जी का, उनके कार्य मंत्रालय का विदेश से आभार व्यक्त करते हैं, हम लोग धन्यवाद करते हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ बनने के बाद छत्तीसगढ़ की जो 42 जनजातियाँ थी उनमें से 22 जनजातियों का जाति प्रमाण पत्र महाराष्ट्र त्रुटि के कारण से नहीं बन पा रहा था। उस 22 में से 11 ऐसे जनजाति थे जिसको अंत तक अधिकारियों ने उनके नामों की भी तक वो पहचान नहीं पाया, और जिसके कारण से 2003 से 11 जनजातियों का जाति प्रमाण पत्र अधिकारियों द्वारा नहीं बनाया गया, जिसके कारण वो एक गैर जनजाति की भारतीय जीवन यापन करने को मजबूर हुए। इसका एक दुष्परिणाम यह हुआ कि उनकी जमीन जायदाद की खरीदी की भी बिना कलेक्टर की अनुमति के होने लगी। सबसे जो बड़ा दुष्परिणाम रहा कि जो शासकीय सेवा में लोग थे उनको उनका जाति सत्यापन का नोटिस जारी होने लगा। ये बड़ा दुर्भाग्य था कि आदिवासी होने के साथ भी आदिवासी होने का प्रमाण पत्र देना पड़ रहा था। ऐसे समय में पूरे समाज ने संगठित होकर सराय काली की भूमि पर एक विशाल जन आंदोलन किया। माननीय डॉक्टर अमर सिंह जी मुख्यमंत्री थे, विषय की गंभीरता को देखते हुए बहुत सारे मंत्री ढंग से उस विषय को उन्हें सुनवाया, और उन्हें 11 जाति नहीं जो 22 जाति अपना समस्या थी उसके लिए उन्हें एक परिपत्र जारी किया और अपने अधिकारियों को समझाया कि किसी जाति की पहचान कैसे की जाती है। उसके आधार से सभी लोगों को जाति प्रमाण पत्र मिलना प्रारंभ हुआ, लेकिन चूंकि एक अस्थायी व्यवस्था थी इसका एक अस्थायी समाधान चाहिए था। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय ने इस गंभीर समस्या को माननीय प्रधानमंत्री ने जानकारी लाया। जब माननीय नड्डा जी प्रदेश में आए, माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी हमारे प्रदेश में आए, उन लोगों ने उनके संज्ञान में लाया और माननीय नड्डा जी और गृहमंत्री माननीय प्रधानमंत्री की जानकारी लाए। जैसे ही प्रधानमंत्री की जानकारी लाया, प्रधानमंत्री ने तुरंत उसको लोकसभा में राज्यसभा में पारित कराकर राष्ट्रपति के माध्यम से अधिसूचना जारी कराकर इसका रास्ता निकाला। उसी दिन से लगा कि हम लोग एक स्वच्छ चुनाव के साथ में पड़ रहे हैं। एक ऐसी जाति भी थी जो आजादी के समय तो आदिवासी थी, लेकिन किसी कारण से भारत के संविधान निर्माण के समय सूची में जोड़ने में सूचीबद्ध होने में कहीं ना कहीं उसका नाम छूट गया था। 70 वर्षों से संघर्षरत थे, उनका नाम भी भारत सरकार के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से उनका नाम भी सूची में जोड़ पाया और उनको 70 साल बाद अपनी पहचान मिल पाई है। हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। चूंकि इसके लिए धन्यवाद देने के दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन विशाल जनसंख्या को लेकर दिल्ली जाना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में डॉक्टर अमन सिंह और महेंद्र गाड़ा जी ने हमें आश्वस्त किया था कि माननीय गृहमंत्री जी को आगे भी ले जाएंगे, और वो दिन आ जाया है वो निश्चित रूप से हम सबके सौभाग्य की बात है। और जब इतनी भर्ती हमारे बीच में है और चूंकि इतना हम लोग ये हैं, इसके आगे अगर हम लोग घुमाएंगे तो शोभा नहीं देता, लेकिन इतनी बड़ी भर्ती हमारे बीच में उपस्थित हैं उनको अगर न मांगे तो भी शोभा नहीं देता। अगर इस स्थान पर आए हैं तो उसी तरह से आशा रहते हैं कि कुछ अपना पद छोड़ के जाए तो समाज ने जो मुझे निश्चित किया है कि उनके समाज एक छोटा सा मांग रखूँ, मैं उस पर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ूंगा। भाई
का जवान देखना है। बड़े भाई कहां थे? अधिक बड़े काम हो रहे तो उधर पर आवाज भी हो, इतने बड़े होना चाहिए जोरदार। सभा में हमार बीच में उपस्थित हमार देश के यशस्वी गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमार बीच में उपस्थित प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय श्रीमती रेणुका सिंह जी, मंच में विराजमान जम्मू समाज के बड़े बड़े पदाधिकारी मन और अन्य जनप्रतिनिधि मन और अत्यंत बड़े संख्या में उपस्थित जम्मू भाई बहनी मन आप सब झंडा राम राम जय जवान। आज जेल की हमले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के सरकार गांव गरीब किसान के तरक्की के काम, वंचित के तरक्की के काम करत है और भारत पहली बार देश में एक आदिवासी समाज के बेटी देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद में पहुंचे है तो बोला करने वाला कोई और नहीं, वो गरीब माँ के बेटा नरेंद्र मोदी जी के कमाल है, नरेंद्र मोदी जी के कमाल। आज गांव गरीब किसान के तरक्की के काम होकर बेहतरी के काम, आज जब एक गरीब माँ के बेटा देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब जाके चिंता होती। आदिवासी समाज के मान सम्मान और तरक्की के काम आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ थे। चाहे वो आदि आदर्श ग्राम योजना हो, चाहे आदिवासी समाज के बेटिया एक राष्ट्रपति के पद में बिठाए के काम हो, चाहे ये छत्तीसगढ़ के 12 आदिवासी समाज जिला कांग्रेस पार्टी वर्षों से उनका संवैधानिक अधिकार से वंचित रखे के काम कर रही थे, बोला न्याय दे के काम है तो ये करने वाला कोई और नहीं, ये गरीब माँ के बेटा नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी। और ये जो उत्साह आपके दिखत है आज जब का उभरे संख्या में आए हो कि आप ला ये बता रहे कि आपके अधिकार संवैधानिक अधिकार का दे के काम आज नरेंद्र मोदी जी करेंगे। आपके चेहरा के खुशी आपके प्रसन्नता और अत्यंत बड़े संख्या में आके आज अमित शाह जी का आभार प्रदर्शन करे बनाए हो तो ये निश्चित रूप से मैं आप सबके अभिनंदन और स्वागत करत हूँ। आगे भी गांव गरीब और किसान के वंचित के सेवा करे बन आने वाले समय में भी छत्तीसगढ़ में भी आपके हित और कार के साथ जो खिलवाड़ होते होकर खिलाफ लड़ाई लड़े बस हम आपके साथ पूरा ताकत से खड़े हैं, यही भरोसा निराश हुए आप सब ना आप सबके हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपन बात का समाप्त करता हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज ये ऐतिहासिक क्षण
सरायबाड़ी के प्रांगण में माँ चंडी माँ खल्लारी के आशीर्वाद से वीर गुंडा देव रंगा देव बूढ़ा देव के आशीर्वाद से आज छत्तीसगढ़ में एक ऐतिहासिक अवसर हमें मिले हैं। जब छत्तीसगढ़ के 12 जनजाति के मात्रात्मक त्रुटि का सुधार करके नोटिफिकेशन जारी करके अनुसूचित जनजाति में शामिल होंगे, अंतिम रूप से घोषणा और जारी पत्रक जारी होंगे, एक आप सब इकट्ठा हो और एक स्वागत करने वाला है। एक बार माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के दोनों हाथ उठा के ताली बजाकर स्वागत करिए। हिंदुस्तान की राजनीति में असंभव को संभव करने वाला, हिंदुस्तान की राजनीति में देश को एक दिशा देने के लिए बड़े से बड़े निर्णय लेने वाले अमित शाह जी आज सरायबाड़ी की धरती में आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। ये 12 जनजातियां भारिया धर्मार खंडो कट्टा भारिया गोंद कोंद कोड़ाकू नगेशिया धनगढ़ सौराष्ट्र गिंजिया, जब मैं मुख्यमंत्री था तब से इनकी तकलीफ, नए राज करने की बात पीड़ा, और मुझे लगता है कि इतनी पीढ़ियों ने तकलीफ झेली होगी। और आज जब ये काम, जब मैंने इस काम को लेकर समाज के प्रतिनिधिगण हमारे सभी साथी पी एल सिद्धार्थ जी एन जी नाराजी नेहरू जी जयदेव भोई जी लालचंद जी सुरेश शेखर जी पड़ेन जी ये सारे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता लगातार मेरे पास आए। मैंने इस विषय को माननीय गृहमंत्री जी के सामने रखा और उनको बताया कि आपने हिंदुस्तान की राजनीति में सारे असंभव संभव किया है, हमारे छत्तीसगढ़ की 12 जनजातियों का समस्या का भी निराकरण चाहे माफी के बाद से मिलेगा, ये रास्ता आपसे ही मिलेगा। उन्होंने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है डॉक्टर रावत, इस पूरी समस्या का निराकरण अगले होने वाले लोकसभा के सत्र में हम इसको प्रस्तुत करेंगे और लोकसभा और राज्यसभा में मंजूरी दिलाएंगे। और आज मंजूरी दिलाने के बाद सरायबाड़ी की धरती में माननीय गृह मंत्री जी आए हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ।
कांग्रेस सरकार का चमत्कार है कि हिंदुस्तान में धारा 370 समाप्त हो सकता है, वापस लिया जा सकता है। ये हिंदुस्तान की राजनीति में उस असंभव को संभव करने में आज आपके बीच उपस्थित है। मैं तो आज इस मंच में इसलिए आया हूँ, 12.5 समाज की ओर से उनका धन्यवाद करने आया हूँ। आप सबके ओर से माननीय अमित शाह जी को, जब मैंने कहा कि दिल्ली से चल के, जब आप लोग कहते थे कि हम लोग 10 लोग जाएंगे, 100 लोग जाएंगे, फिर आप लोगों ने कहा 1000 लोग जाएंगे, एक ट्रेन कर दीजिए, ट्रेन में भर के जाएंगे। जब मैंने देखा ये संख्या 1000 नहीं, 1000 से बहुत ज्यादा हो गया है, तो मैंने माननीय गृहमंत्री से बात किया कि हजारों की संख्या में लोग आना चाहते हैं, उनको दिल्ली ले जाना संभव सीधा नहीं है, इसलिए दिल्ली से करके आप आ जाए तो कृपा होगी। और आज ये निर्णय लिया दिल्ली से करके सरायपाली आपसे सिर्फ मिलने आए हैं, आप सबके प्रेम आशीर्वाद समर्थन और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हमारा आरक्षण मध्य प्रदेश से अलग हुए तो 20% हो गया अनुसूचित जनजाति का, उस 20% को 32 करने का, 32% करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। डेवलपमेंट के सारे काम आज मैं विकास के बाद गिनाने नहीं आया हूँ, फिर आऊंगा, अभी लगातार आपके बीच संपर्क में रहना है। मैं तो आज अपने केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देने के लिए आप सभी की ओर से माननीय अमित शाह जी का अभिनंदन करने के लिए खड़ा हूँ। एक बार दोनों हाथ उठा के तालियां बजाकर स्वागत करें, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रमन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान अरुण साव जी, मेरे साथ मंत्रिमंडल में साथी बहन रेणुका सिंह जी, सांसद महासमंद श्रीमान चुनीलाल साहू जी, सांसद राज्यसभा ओडिशा से आज यही समाज के उत्सव में शामिल होने के लिए आए हैं। भाई श्री निरंजन बसी जी, निरंजन भाई खड़े हो गए, ताली बजाओ निरंजन भाई के लिए। आज जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं सब खड़े होना, भाई श्री प्रेमलाल सीता जी, ताली बजाओ भाई, जयदेव भोई जी, एनपी नेहरो जी, डॉक्टर हेमंत भोई, केदार कश्यप जी, बहन सरला के महेश गांगड़ा और अल्पकालीन चंद्राकर जी, और आज जहां तक नजर पड़े वहां तक मेरे आदिवासी भाइयों के बूंद ही बूंद दिखाई पड़े हैं। सभी मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, आप सभी को राम राम, जय जोहार। सबसे पहले मैं मां दंतेश्वरी, बड़ादेव और बुढ़ादेव के चरणों में प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जब यहां आया हूं तब शहीद वीर नारायण सिंह और शहीद गुंडाधुर की भूमि के वासियों को भी प्रणाम करना चाहता हूं। और मैं जब यहां आया हूं तब छत्तीसगढ़ से लेकर गुजरात के सभी आदिवासी भाइयों बहनों के मन में जिस मां सबरी के लिए बहुत श्रद्धा है, वो राम भक्त मां सबरी को भी प्रणाम करकर मेरी बात की। मित्रों, आज बहुत अच्छा दिन इसलिए नहीं कि आप मोदी जी के स्वागत में इकट्ठा हुए हैं, आज इसलिए एक अच्छा दिन है कि आज हमारा मिशन आदित्य सूर्ययान सफलतापूर्वक सूर्य की कक्षा में जाने के लिए लॉन्च हो गया। यह अभूतपूर्व सिद्धि के लिए मैं सारे वैज्ञानिक भाइयों बहनों को और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी अभी कुछ दिन पहले चंद्रयान चंद्रमा पर उतरा और आज मिशन आदित्य सूर्य नारायण की कक्षा में जाने के लिए निकल चुका है। ये हमारे देश के लिए बहुत शुभ है। मित्रों, 2000 में एक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का काम हमारे उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल जी ने किया। अटल जी ने छत्तीसगढ़ को बनाने का काम किया और 15 साल तक छत्तीसगढ़ को सवारने का काम हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी, मध्य प्रदेश से अलग पड़े, 20% आरक्षण मिलता था आप लोगों को, कितना मिलता था बताओ भाई, अरे जोर से बोलो कितना मिलता था। रमन सिंह ने 20% को बढ़ाकर 32% आरक्षण करने का काम आदिवासियों के लिए। और मैं पूछना चाहता हूं, आज राहुल बाबा है यहां पर, कुछ न कुछ बोलकर जाएंगे यहां से। राहुल बाबा, आपने छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी भाइयों को क्या दिया, इसका हिसाब जरा मेरे आदिवासी भाइयों को दीजिए। आपने
की यह भ्रष्टाचारी सरकार, परिवारवादी सरकार, जातिवादी सरकार मोदी जी को आदिवासियों के काम नहीं करनी। मित्रों, मैं आज बताने आया हूं मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को, हमने छत्तीसगढ़ बनाया है, हमने छत्तीसगढ़ को संवारा है और छत्तीसगढ़ को एक भ्रष्टाचारी देश से बचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। किसानों को 14% ब्याज कांग्रेस के समय में लगता था, आज हमने 2% ब्याज पर किसानों को ऋण देने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। रमन सिंह जब देखकर मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के वहां चावल नहीं पहुंचता था, धान खरीदा नहीं करता था, हमारे चावल वाले बाबा रमन सिंह जी ने पीडीएस की व्यवस्था को सुचारू करकर गरीब के घर में चावल भेजने की शुरुआत। कोरोना आया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले आदिवासी भाइयों की चिंता करी। भाइयों बहनों बताओ, दोनों टीका आपको लगाया है या नहीं लगाया है? जरा जिसको दोनों टीका मोदी का लगा वो हाथ ऊपर उठाए, जरा लगा है ना? एक पैसा देना पड़ा है क्या? और ऊपर से मुफ्त में 5-5 किलो चावल आज भी नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं जो 5 किलो चावल एक्स्ट्रा भेजा वो कौन खा गया भाई, बताओ कौन खा गया? जेल से बोले कौन खा गया? अरे जो गरीबों के चावल खाता है उसको वोट देना चाहिए, जोर से बोले देना चाहिए। अरे उखाड़ कर फेंक दो चावल चोर सरकार को और यहां कमल की सरकार लाओ। माता भाइयों बहनों, गरीबों का चावल चोरने का काम, आदिवासियों के चावल चोरने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, भूपेश बघेल, आप भ्रष्टाचार से कांग्रेस पार्टी का दिल्ली का एटीएम बनाना चाहते हो छत्तीसगढ़ को, ये भगवान राम का नैनीहाल है। हम छत्तीसगढ़ को एटीएम नहीं बनने देंगे, छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाएंगे। माताओं भाइयों बहनों, मोदी जी ने आदिवासी समाज के लिए अपनी नीति स्पष्ट की, आदिवासियों का जल, आदिवासियों का जंगल और आदिवासियों की जमीन की तो रक्षा करनी है, इसके साथ उनको सुरक्षा भी देनी है, सम्मान भी देना है और समावेशी विकास भी करना है। ये नरेंद्र मोदी जी की नीति है और इसीलिए धनुहाट किसान सोरा डिंजिया भुयान और पंडो जाति को आदिवासी का सर्टिफिकेट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब पीढ़ियों तक आपके बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। भूपेश बघेल, आप अब कुछ नहीं करते हो, हमारे भुवान और पंडो, धनुहार और धनुहार, किसान सोरा और बिंजिया जाति के बच्चे भी अब कलेक्टर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे और इंजीनियर भी बनेंगे। इतने सालों से मध्य
मध्य प्रदेश में अलग हुए तब से 2003 से ये अन्याय था। 2003 में रमन सिंह जी ने अन्याय को तोड़ा बोला, जितना उनका अधिकार था इससे दूर तरह सर्कुलर निकाला, मगर इससे शिक्षा के दाखिल नहीं, नौकरियां नहीं मिलती थी। मोदी जी ने राज्यसभा लोकसभा में बिल पास किया और आज आप सभी को वीडियो तक नौकरी भी, शिक्षा भी और विकास के काम भी मिलने का अधिकार हो गया है। सभी लोग दोनों हाथ उठाकर नरेंद्र मोदी जी के धन्यवाद का ताली लगाइए, मेरे साथ बोलिए धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी। मित्र नरेंद्र मोदी सरकार ने इस क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए ढेर सारे कदम उठाए, जनजाति स्वतंत्रता सेनानियों के म्यूजियम बनाए और पहली बार हमारे पास वाले ओडिशा से ही एक गरीब परिवार की बेटी द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी आजादी के 75 साल तक एक गांधी परिवार की सरकार रही। कोई आदिवासी बेटी को, कोई आदिवासी बेटे को राष्ट्रपति नहीं बनाया, मोदी जी को मौका मिला द्रौपदी जी को राष्ट्रपति बनाने का काम मोदी जी ने किया। तो बहन रेणुका भी यहां बैठी है, यही के जनजाति समाज की बहन है, उनको भी सम्मान के साथ मंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। परंतु इसीलिए चिन्ना गेलो, पीने मोर, हिरोली, बेदरे, दुख मरका, तोंडा मरका, ये सारे गांव में कई सालों के बाद पहली बार 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मोदी जी की कमाल है। मोदी जी ने आदिवासी भाइयों का बजट, एसटी कंपोनेंट का बजट 24,000 करोड़ कांग्रेस छोड़कर गई है। कितना था भाई बोलो, जोर से बोलो। मोदी जी ने 24,000 से बढ़ाकर 1,19,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और एकलव्य मॉडल आदिवासी स्कूल के पीछे 21 गुना पैसा बढ़ाकर 6,000 करोड़ रुपया एकलव्य मॉडल आदिवासी स्कूल के लिए खर्चा किया और डीबीटी के माध्यम से शिक्षा की फीस पहुंचाई, ऑनलाइन निगरानी परिस्थिति प्रणाली लाई और जो मिनरल पर जो खदानों में से मिनरल निकलता है उसका एक हिस्सा मेरे आदिवासी बच्चों के विकास के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के माध्यम से देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। 2047 तक सिकल सेल को समाप्त करने की योजना लाए और हमारे जब रमन सिंह जी थे तब ढेर सारे आदिवासी विकास के काम रमन सिंह जी ने किए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं तेंदू पट्टा को तोड़ने वाले भाइयों के पैर में, बहनों के पैर में चरण पादुका देने का काम हमारे रमन सिंह जी ने किया था, भारतीय जनता पार्टी ने किया। मित्रों तेंदुपत्ता का जब बात निकला है तो मैं कहना चाहता हूं पहली बार रमन सिंह जी आपको बोनस बारंबार मिलता था। 2020 और 21 ये आदिवासी विरोधी भूपेश बघेल ने
बड़ी हुई कीमतों का लाभ तेंदू पत्ता का नहीं लिया, बोनस नहीं। और कांग्रेस ने दो वर्षों में 23 लाख मानन बोरा, 32 लाख मानन बोरा, 23 लाख मानन बोरा ही खरीदा। और भारतीय जनता पार्टी 17-18 में 32 लाख मानन खरीदी थी। 14 लाख तेंदुपत्ता तोड़ने वाले आदिवासी भाइयों के पेट पर लात मारने का काम बघेल सरकार ने किया है। रोजी रोटी छीनी है। और 2017 में वन समितियों को माना तोड़ा 8,000 रुपया मिलता था, वो घटकर भूपेश बघेल सरकार में 6,000 रुपया मात्र रह गया। ये मेरा हाथ जो आदिवासी भाइयों के मैं को बताता हूं। भूमि वितरण वन अधिकार पट्टा भी 18 से 22 13,692 की औसत दर से 54,700 बांटा था। और 8 से 18 के बीच में हमने कई गुना 40,158 की दर से 4 लाख वन अधिकार पट्टे देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इलाज के अभाव में 40,000 बच्चे और माओ का मृत्यु भूपेश बघेल की ही सरकार के आंकड़ों के हिसाब से हुआ। मुझे बताओ भाई, इतना सारा गलत काम जिसने आदिवासियों के लिए किया हो वो सरकार को वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? भाइयों बहनों मुझे बताओ, आदिवासियों के घर में शौचालय किसने भेजा? जोर से बोलो, किसने भेजा? बिजली किसने भेजी? गैस का सिलेंडर किसने भेजा? 5 किलो धान किसने भेजा? 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा कौन उठा रहा है? जोर से बोलो, कौन उठा रहा है? आदिवासी कल्याण के सारे काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। राहुल बाबा आदिवासी एरिया में आकर, क्षेत्र में आकर आदिवासी भाइयों के साथ नृत्य करने से आदिवासियों का भला नहीं होता है? होता है क्या? जोर से बोलो, होता है क्या? माताओं भाइयों बहनों, कांग्रेस से ढेर सारे प्रश्न लटकते रखे। इनकी लालची नजर आदिवासी भाइयों की जमीन पर है। कई सारे कांग्रेसी नेता आदिवासियों की जमीन हड़प कर गए सालों तक अपने स्वार्थ के कारण। वामपंथी उग्रवाद को चलने दिया। नरेंद्र मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद को समाप्ति की और ले जाने का काम किया। और ये भूपेश बघेल सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार। मेरे साथ बोलिए, भूपेश बघेल सरकार कैसी है? जोर से बोलिए, कैसी है? सड़क काम में 2,000 करोड़ का घोटाला किया। कोयला परिवहन में 500 करोड़ का घोटाला किया। गरीबों के आदिवासियों के अनाज में 5,000 करोड़ का घोटाला किया। गोकान में 1,300 करोड़ का घोटाला किया। पब्लिक सर्विस कमीशन में घोटाला किया। कोरोना क्षेत्र में घोटाला किया। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड 700 करोड़ का खा गए। और 25,000 से अधिक बच्चे इलाज के अभाव में मर गए। और 67% आदिवासी माताएं और एनीमिक हो गई। रमन सरकार में नहीं होता था। मुझे बताओ, ऐसी भूपेश सरकार को वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? कांग्रेस को वोट देना चाहिए क्या? अगली बार किसकी सरकार बनाओगे? जोर से बोलो, किसकी बनाओगे? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो यार, बनाओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या?
पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाओगे क्या? 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? अंत में मैं कहता हूं, ये 12 जातियों को जब राज्यसभा में अनुसूचित जाति की लिस्ट में शामिल करना था, छत्तीसगढ़ से गए हुए कांग्रेस के एक भी राज्यसभा के सांसद इसके समर्थन में नहीं थे, वो वॉकआउट कर गए। कांग्रेस पार्टी से जवाब मांगे कि हमने क्या बिगाड़ा था, मोदी जी इतने सालों के बाद हमें आदिवासी स्टेटस देते थे, आप कहां भाग गए थे? इसका जवाब मांगे। माताओं, भाइयों, बहनों, आज आप मोदी जी के सम्मान में इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे आए हैं, जहां तक नजर पड़े मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। मैं आप सभी का सरकार की ओर से, भाजपा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय जोहार।